सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है बिकॉज दिस इज़ बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इसका जो टाइटल है वी एंड अवर इस्लाम, तो इस्लाम के बारे में होगा। ऑफ कोर्स इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब इस्लाम के बारे में कुछ बताएंगे एंड देखते हैं वो क्या बताते हैं, एंड उससे ऑफ कोर्स बहुत सारी और नॉलेज मिलेगी क्योंकि उनकी हर वीडियो जो ये मुस्लिम चैनल पे आती हैं वो सारी कुरान क्लास में से कट की हुई मूवीज वीडियोज़ होती हैं। हर वीडियो कुरान क्लास से शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स कट किए हुए हैं, एंड उनकी कुरान क्लास तो मतलब आप समझ लो यार ऑसम है। मतलब उसमें आपको हर एक चीज़ का हल मिल जाएगा, हर एक चीज़ की ट्रांसलेशन, कुरान की हर एक आयत की ट्रांसलेशन मिलेगी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बातें करने को तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एक क्रिटिकल बात जो आज सुबह मेरे जहन में आई वो ही आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कुरान हकीम में एक आयत है सूरह अल आराफ की आयत नंबर 179। ये कुरान हकीम में चंद सख्त तरीन आयात में से है और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ और बड़ी ही एक डेंजरस खबर इंसानियत तक पहुंचाई गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कथीरन मिनल जिन्न वल इंस, और बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत हमने पैदा ही दोज़ख के लिए। लेकिन ये अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी रीजन भी बताई है। ये अल्लाह का एक्सपर्ट ओपिनियन है कि ये जो इंसानियत और जिन्नात यहां पे आबाद हुए हैं इनमें से अल्टीमेटली अक्सरियत दोजख में ही जाएगी, बड़े कम लोग होंगे जो जन्नत में जाने में कामयाब होंगे। तो सूरतुल असर में भी आया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाना गवाह है इस बात पे कि सारी इंसानियत घाटे में है सवाए उन लोगों के जो ईमान ले आए, नेक अमाल किए और नेकी की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। इसके अलावा पूरी की पूरी इंसानियत घाटे में। और देख ले जमाना गवाह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुखालफीन तबाह बर्बाद कर दिए गए, सिर्फ 78 लोग जो है वो कामयाब हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दो बेटियां उनके साथ बचाई गई, उनकी अपनी बीवी भी और पूरी कौम तबाह कर दी गई। पूरी इंसानियत घाटे में चलती है सवाए उन लोगों के जो ईमान ले आएंगे, नेक अमाल इख्तियार करेंगे और हक बात की तलकीन करेंगे और सब्र। यहां पे सूरह अल आराफ की आयत नंबर 179 में है कि बेशक जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत पैदा ही दोजख के लिए होती है। لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, उनको हमने दिल दिए थे, अक्ल दी थी लेकिन वो उससे सोचते ही नहीं। وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, उनको हमने आंखें दी थी लेकिन आंखों से देखने का सा देखना नहीं देखते, इबरत नहीं पकड़ते। وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, और उनको हमने कान दिए थे लेकिन सुनने वाला सुनना सुनते ही नहीं। أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ बल हम अबल, ऐसे लोग जो पायों की मानंद है बल्कि उनसे भी बदतर हैं जो अपनी अकल आंखें और कान इस्तेमाल करके हक बात तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। उलाइका हुमुल गाफिलून, ऐसे ही लोग हैं जो असल में गाफिल। तो अल्लाह ताला ने ये इसमें एक गैबी खबर दे दी है कि अल्टीमेटली ये होने वाला है। मतलब क्या कि आप जिसने तैयारी करनी है वो खुद तैयारी कर ले। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूं कि इस वक्त तकरीबन यहां पे 80 के करीब लोग बैठे हैं और मैं ये कहूं कि मैं एक गोली चलाऊंगा जिसको भी लग जाए तो हम में से क्या हर शख्स ये सोचेगा कि यार एक ही गोली है, 80 बंदे हैं, किसी और को ही लगेगी, जरूरी है मुझे ही लगनी है? ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा, सब दुड़की लगा देंगे। लेकिन आखिरत का मामला क्या है? बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है मुत्तफ़िकुन अलैह कि आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि जन्नतियों और दोस्तियों को अलग करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि ऐ अल्लाह कितने जन्नती और कितने दोस्ती, तो अल्लाह ताला फरमाएगा हर हजार में 999 दोस्ती और सिर्फ एक जन्नती। तो यहां अगर हजार बंदा और मैं कहूं एक गोली चलेगी, हर बंदा भागने की कोशिश करेगा। लेकिन आखिरत के बारे में यह हाल है कि हर एक बंदा यह उम्मीद लगाया हुआ है कि वो जो एक बचेगा ना वो मैं हूं,
और इधर हजार बंदे के ऊपर एक गोली चलाई जाए तो हजार का हजार सोचेगा, जो एक हटकेगा वो मैं होगा। बिल्कुल 180 डिग्री सोच है। या इसको यूं समझे कि मैं क्योंकि एक गोली चलाऊंगा 999 बच जाएंगे, एक कोई लगेगी, कोई नहीं कहेगा यार 999 बचने हैं तो चलो एक मैं भी उनमें बचने वालों में होऊंगा, लेकिन कितने मैं ही ना फंस जाऊं। और आखिरत में तो मामला बिल्कुल उलट है, बहुत क्रिटिकल इशू है। इंसान को अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, अल्लाह को सीरियस लेना चाहिए। जो लोग दुनिया में अल्लाह को सीरियस लेते हैं वही अपनी इस्लाह कर रहे हैं, वरना अल्लाह तो बेपरवाह है। यकीन करें पूरी की पूरी इंसानियत दोजख में चली जाए अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, पूरी की पूरी इंसानियत जन्नत में चली जाए अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। और ये जो अक्सर लोग मिसालें देते हैं कि देखें कोई माँ अपने बच्चे को कैसे दोजख में फेंक सकती है, तो अल्लाह ताला तो माँ से भी बढ़ के मोहब्बत करता है, वो कैसे फेंकेगा? भाई इसलिए फेंकेगा कि अल्लाह ताला के वो एहसासात नहीं है जो एक माँ के होते हैं। माँ तो अपनी नफसानी ख्वाहिश या मोहब्बत की वजह से मग़लूब हो जाती है, लेकिन अल्लाह मग़लूब नहीं। अल्लाह ताला क्या फिरौन से उसकी मां से बढ़ के मोहब्बत करता है जो उसका बागी है? ये मोहब्बत तो उन लोगों के लिए जो उसके ताबे फरमान हो, जो अल्लाह के दुश्मन है उनके बारे में तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, हम मुजरमों से इंतकाम लेके छोड़े। उनके लिए ये मामला नहीं है। हमें तो ये बताया गया है अल्लाह ताला एक बूढ़ी नानी अम्मा है जिसने ये एक नऊज बिल्ला एक सिस्टम चलाया हुआ है, एंड पे सब कुछ छोड़ दे ना। अगर ये बात होती तो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की तालीमात इस तरह की ना होती कि लोग जो है वो कैजुअल जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। बड़ी स्ट्रिक्ट तालीमात। जामे तिर्मिज़ी में हदीस है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो जब कभी कब्रिस्तान जाते हैं तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। और साहब पूछते कि आपके सामने जब जहन्नुम का जिक्र होता है आप पे इतनी खशियत तारी नहीं होती, लेकिन कब्रिस्तान में कब्र के सामने ये मामलात आपके साथ क्यों होते? तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से खुद सुना था कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जिसकी ये मंजिल फंस गई उसकी अगली मनाजिल मुश्किल हो जाएगी, और जिसकी ये मंजिल आसान हुई उसकी अगली मनाजिल आसान होती। ये वो शख्स कह रहा है जिसे तीन दफा जन्नत की बिशारत मिली। हमारे पास कोई जन्नत का टिकट नहीं है और हमारी बेपरवाही अपने उरूज के ऊपर। इसी को पंजाबी में कहा जाता है ना, अकल ना होवे ते मौजे ही मौजा, अकल होवे ते सोचे ही सोचा। जिसे अकल नहीं होगी वो मौजे मारेगा क्योंकि उसे पता नहीं है ना, लेकिन जिसे अकल होगी वो सोचेगा कि यार ये मामला तो बड़ा खतरनाक हो गया। बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप एक जगह से गुजरे, कुछ असहाब आपस में यानी हंसी मजाक करते हुए हंस रहे थे, तो आप खड़े हो गए, आपने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूं ना अगर तुम जान लेते तो बहुत कम हंसते, ज्यादा रोया करते, बहुत सीरियस केस बनते। मुस्लिम में हदीस है आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि तुम्हें अजाबे कब्र सुनवा दे, दिखाने वाली तो कहानी खत्म कर सुनवा दे, लेकिन मुझे डर हुआ कि अगर तुमने अजाबे कब्र सुन लिया तुम अपने मुर्दों को दफना नहीं छोड़ दो, ऐसी खुशियत तुम पे तारी हो। लेकिन ये अल्लाह ताला ने सब कुछ पर्दे में रखा हुआ है सर। सही बुखारी में हदीस है कि मैयत जो है वो चारपाई पे कलाम करती है, नेक मैयत कहती है मुझे जल्दी जल्दी मेरी जगह की तरफ ले चलो, और जो बुरी मैयत है वो चीखों पुकार करती है कि मुझे कहां लेकर जा रहे हो। और नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज है सही बुखारी में कि जमीन आसमान की हर मखलूक उसकी चीखें सुनती है सवाए जिन्नों और इंसानों के, क्योंकि जिन्नों और इंसानों को अल्लाह ताला ने गैब के पर्दे में चीजें रखी है ना, उसी के ऊपर तो जन्नत है। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब लहुम मग़फ़िरतुन वअजरुन कबीर, जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर कबीर है। देख के तो सबने मान लेना है। फिर सर इससे भी आगे अगर आप चले जाए, सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि जब मैयत को सवालात के जवाब नहीं आते ना तो फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तूने सवालात के जवाब जो नहीं आए क्या मामला तेरे साथ हुआ? तो वो कहता है मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। सुन सुना के सुननी तुम नहीं, पढ़ पढ़ा के सुननी नहीं। तो फरिश्ते कहते हैं तूने खुद पढ़ के समझने की कोशिश क्यों नहीं? फिर फरिश्ते उसे एक गुर्ज मारते हैं जिससे वो जमीन के ऊपर बिल्कुल
जिसको कहते हैं ना पैरेलल हो जाता है जमीन में, खाक बन जाता है, और उसकी जो गुर्स की अगेंस्ट उसकी चीखो पुकार है उसको जिन्नों इसके अलावा तमाम मखलूकात सुने। अगर ये सुन ले तो जाहिर है ये तो फिर इंसान के बच्चे ना बन जाए, ये अल्लाह ने पर्दा रखा है। वरना तो आप बड़े बड़े बुजुर्गों को दफना के निकल रहे हो ना, उनके पर्दे जो है ना वो जनाजा यानी इस कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचते हुए सारी बुजुर्गी खुल गई हो, दलाल की बात पीछे से आ जाए तो वैसे बुजुर्गी का दावा भी फिर छोड़ देंगे, डरते रहेंगे ना। तो ये अल्लाह ने पर्दे रखे। Action V&R Islam by Engineer Muhammad Ali Mirza साहब एंड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उन्होंने आखिरत के बारे में बताया, उन्होंने कब्र के अजाब के बारे में बताया एंड उन्होंने एक आयत भी बताई कुरान की एंड बिल्कुल हक बात कही है उन्होंने एंड इंसान अपनी ज़िंदगी तो जी लेता है ये ज़िंदगी में, अपने मन की ज़िंदगी कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे नमाज नहीं पढ़नी है, मुझे रोज़े नहीं रखने हैं, मुझे इबादत नहीं करनी है एंड मुझे बस मज़े करने हैं लाइफ में। तो फिर बाद में जब इंसान मरता है फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो चीज़ जैसे उन्होंने बोला कि हमें इंसानों को पता नहीं चलता, बस वो जो मरा हुआ है इंसान उसको पता चलता है और जो मखलूक हैं बाकी की उन सबको पता चलता है एंड तब उसको पता चलेगा कि क्या हश्र होता है उसके साथ। तो इसलिए जितने भी इंसान ये सुन रहे हैं, ये वीडियो देखी है, नमाज़ें कायम करें एंड अच्छी चीज़ें करें, बुरी चीज़ें ख़त्म करें अपनी लाइफ से एंड इस चीज़ को सीरियसली लें बिकॉज अल्लाह बेपरवाह है, जो बात बिल्कुल सच है। हर चीज़ हमें खुद के लिए चाहिए, अल्लाह को हमसे कुछ नहीं चाहिए, हम अल्लाह के गुलाम हैं ऑफ कोर्स एंड ये चीज़ समझ लेनी चाहिए इंसानों को एंड बहुत ही बेहतरीन वीडियो था ये।